साथियों नमस्कार, आप सभी को मेरा आदाब सलाम और क्रांतिकारी जय भीम। साथियों हम सभी जान रहे हैं कि अभी देश काफी विकट परिस्थिति से जूझ रहा है और अभी देश में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है और कल देश में छठे चरण का चुनाव होना है जिसमें 58 सीटों पर, जी हां साथियों, देश की 58 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव है जिसमें से दिल्ली की 7 सीटें हैं, बिहार की 8 सीटें हैं और अन्य राज्यों की कई सीटें हैं। मैंने बिहार और दिल्ली का नाम इसलिए लिया क्योंकि हर बार इतिहास रहा है देश का और पहले का भी इतिहास रहा है कि बिहार एक ऐसी धरती है, बिहार की धरती एक ऐसी धरती है जिसने बड़े बड़े राजनेताओं को, तानाशाहों को सबक सिखाने का काम किया है। वह बिहार ही था जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था साथियों, और वह दिल्ली है जिसने देश को बहुत कुछ सिखाने का काम किया, बहुत कुछ समझाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा और खास करके ये वीडियो हमारे दिल्ली और बिहार वालों के लिए है और उत्तर प्रदेश वालों के लिए है क्योंकि मैं सवाल पूछना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, क्या बुलेट ट्रेन इस देश में चली? कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला था कि अगर आप वोट करने जाइए तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए, तो मोदी जी अब हम लोग सिलेंडर को नमस्कार करके जाएं वोट करने? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सब स्मार्ट सिटी देंगे, क्या 100 स्मार्ट सिटी मिली? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज हमारे जैसा युवा, अगर जिसके पिताजी किसान है, वो किसान बनने से डरता है क्योंकि भाजपाइयों ने हमें किसान बनने से भी डरा करके रखा है। जब भी हमारे जैसा युवा बेरोजगारी से तंग आकर के किसानी करने की सोचता है तब तब हमारे सामने आशीष मिश्र टेनी का चेहरा आ जाता है, प्रधानमंत्री जी का वो बड़ा सा चेहरा आ जाता है जिसमें वो कुछ नहीं बोलते हैं और 750 किसानों की हत्या हो जाती है 3 काले कानून लाने की वजह से। किसान इस देश का युवा इसलिए भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमें इस बात का भी डर है कि हम अगर अपने फसल का दाम लेने दिल्ली जाएंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और हम पर गोलियां बरसाई जाएंगी, लाठियां बरसाई जाएंगी, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। साथियों हम इस बात से भी डरते हैं कि अगर अब हम सेना की तैयारी करें भी तो क्यों करें, क्योंकि सरकार ने अग्निवीर योजना ला दी है जिसका सीधा सीधा कहना है कि 4 साल ढील द, नौकरी दे के छीन ल, गरम बा मिजाज हमारा आर्मी वाला फील द, तो मोदी जी खाली हमने आर्मी वाला फील लेवे आई हई। जय शाह बनी बीसीसीआई के महासचिव, हमनी बनब अग्निवीर, बुड़बक समझते हैं आप हम लोग को? और दिल्ली के साथियों से मेरा एक सवाल है, आपने 7 महान सांसद चुने थे पिछले बार जिसमें से एक सांसद, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन उनका नाम था बिधूड़ी जी, भरे सदन में एक चुने हुए सांसद को गरिया रहे थे, ये भाषा है एक सांसद की, गौतम गंभीर जी। क्या किया उन्होंने आप बताएं? मीनाक्षी लेखी, बाप रे बाप, इतनी बढ़िया सांसद बीजेपी की, मतलब भाजपा का क्या ही बोलना है। जब महिला पहलवानों को उनसे सवाल पूछा गया तो मैडम दौड़ती हुई भागती हुई नजर आई। और सबसे बड़े और वरिष्ठ और महान सांसद रिंकिया के पापा, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि उनको देख के भी मुझे हंसी आती है। उनको लोगों ने सांसद बनाया लेकिन कोई काम नहीं किया उन्होंने, अगर काम पे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं कि मोदी जी कर देंगे। अरे भाई सांसद आपको हम लोग चुने हैं, मोदी जी को नहीं। ऊपर से मनोज तिवारी जी क्या उनसे काम पे पूछा है तो चुप हो जाएंगे, तो मुंह पे से लो टेप साट लेंगे, ताला लग जाता है भाजपाइयों के काम पे अगर बात की जाए तो। लेकिन गाना क्या गाते हैं, बियर पी के नाचत तारी छमक छमक छम, मनोज तिवारी ही है जिनका एक गाना आया था 2003 में कि दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गई ले बाबूजी, नौकरी न मिलल मनु चाट भइले बाबूजी। मनोज तिवारी जी, दिल्ली के लोगों को भी अब नौकरी नहीं मिली है, उनका भी मनु चाट हो रहा है, नौकरी आप क्यों नहीं दिए? आप नहीं देने का काम किए तो अब आप भी बेरोजगार रहिएगा, आपको इस देश की जनता हराने का काम करेगी, दिल्ली की जनता हराने का काम करेगी। और वहां से कन्हैया कुमार जी सीधे सीधे जीत रहे हैं। मेरा सवाल बिहार के भी कुछ सांसदों से है, जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा अभी सम्राट चौधरी जी है ना, उनसे पहले थे संजय जायसवाल जी, सांसद हैं चंपारण से, क्या काम किए साहेब आप? सिग्रीवाल जी महाराजगंज के सांसद, आप क्या काम किए? वाल्मीकि नगर के सांसद, आप लोग कुछ काम नहीं किए हैं। राधा मोहन सिंह जी, चीनी मिल खुला, भाजपा को भगाना है और लोकतंत्र को सुरक्षित रखना होगा। भाजपा के कई सारे लोग हैं, कई सारे बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अनंत हेगड़े जी, मैं नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि अगर 400 पार आती है तो हम लोग जो है इस देश से संविधान खत्म करने का काम करेंगे।
और मैं कहना चाहूं कि हम अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और जो संविधान खत्म करने की बात करेगा हम उसकी अर्थी पे से उसका कफन छीन लेंगे। आप लोग संविधान खत्म कीजिएगा, मजाक समझ करके रखे हैं क्या? ये बिहार की धरती, और अमितेश पांडे बोलता है बिहारियों की आवाज उठा करके। बिहार में भी नौजवान है, दिल्ली में भी नौजवान है, उत्तर प्रदेश में भी नौजवान है, गुजरात में भी नौजवान है, और देश के हर जगह, हर जिले में, हर गांव में नौजवान है। और आपको लगता है कि नौजवानों की ताकत नहीं पता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो अब युवाओं के रक्त का संचार काफी तेज हो चुका है, और प्रधानमंत्री जी देश का युवा आपसे सवाल पूछेगा और लगातार पूछने का काम करेगा कि आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट क्यों मांगा, आपने ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट क्यों दिया। कई सारे सवाल है। और प्रधानमंत्री जी आपसे एक और सवाल है, आपने कहा था कि 75 वर्ष जिस राजनेता की आयु हो जाती है उसे राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए, तो आपकी आयु अभी 74 वर्ष है, आप अगले साल 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो क्या आप रिटायरमेंट देने वाले हैं? आपकी जगह कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जयशाह का पापा जो तड़ित पार था। प्रधानमंत्री जी आप समझ करके काम कीजिए, मंगलसूत्र पे बात मत कीजिए। अगर आपने महंगाई कम की होती तो आप मंगलसूत्र पे काम नहीं करते, मंगलसूत्र पे बात नहीं करते, बुलेट ट्रेन पे बात करते हैं। आपको समझने की जरूरत है। मैं दिल्ली वालों से एक और गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार सातों के सातों सीटों पे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को जिताने का काम करें, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डालने का काम किया था भाजपा ने और उनकी ईडी सीबीआई और आईटी ने, जिसने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कराई, जिसने सरकारी स्कूल बनवाए, जिसने महिलाओं के लिए बस फ्री की। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके अरविंद केजरीवाल को ये लोग जेल में डाल करके रखे हुए थे, अभी वो बेल पर हैं और 2 तारीख को फिर वो जेल पे चले जाएंगे, और 4 तारीख को अगर रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी छूट पाएंगे, नहीं तो अरविंद केजरीवाल से कब आपकी मुलाकात होगी ये खुद न अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं, न अमितेश पांडे जानता है, न दिल्ली की जनता जानती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस